नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा विपक्षी एकता वर्सेस बीजेपी के महाजनसंपर्क की। साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की और उनके बयानों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। कल ही राहुल सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट हमला बोला। राहुल ने कहा, बीजेपी आरएसएस के लोग भारत की विविधता के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने एजेंसी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। 2024 की तैयारी में जुटे राहुल गांधी अमेरिका से मोदी सरकार पर हमला है, तो वहीं पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का बिगुल भी बज चुका है। अब बारी तमाम विपक्ष को एक मंच पर आने की है। इसके लिए 12 जून की तारीख मुकरर कर दी गई है। पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, लेकिन उससे पहले तमाम दलों की शर्तें भी सामने आई हैं। कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष को 450 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने चाहिए। उधर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एकमात्र कांग्रेस विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, यानी हर किसी की अपनी अपनी शर्त है। इधर बीजेपी आज से महाजनसंपर्क अभियान पर है, निकल पड़ी है। शुरुआत पीएम मोदी की रैली से हो रही। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे राजस्थान के अजमेर में रैली कर महासंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद बीजेपी देशभर में अलग अलग सभा कर मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का अमेरिका में दिया गया बयान सुनिए। सो रियली दैट इज द डिजीज दैट सैम सॉर्ट ऑफ आउटलाइंड दैट इज द डिजीज दैट वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल इन इंडिया who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी विदेशों में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसको लेकर आगे क्या रणनीति होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।